हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स तो हमारा जो लोअर बॉटनी थी यानी प्लांट किंगडम, तो इसमें हमने क्या कर लिया है, वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। तो अब हम इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, यानी एनिमल किंगडम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे वर्टिब्रेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने लोअर बॉटनी का वीडियो नहीं देखा है, लोअर बॉटनी में कम से कम 40 से 45 वीडियो बन चुकी है जिसमें वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक कंप्लीट करा दिया गया है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आज से इनवर्टिब्रेट पढ़ना शुरू करेंगे। इनवर्टिब्रेट पर डेली 1 या 2 क्लासेस डेली अपलोड होंगी। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि अगर पीजीटी पीजीटी एलटी या जीआईसी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों बुक आपके लिए पढ़ना आवश्यक है, यानी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो प्लांट किंगडम में लोअर बॉटनी होता है, हायर बॉटनी होता है, लोअर बॉटनी हम पढ़ चुके हैं, इसके कुछ समय बाद हम क्या करेंगे हायर बॉटनी भी पढ़ेंगे। और अब से क्या शुरुआत होने जा रही है, इनवर्टिब्रेट के बारे में। इनवर्टिब्रेट कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर वर्टिब्रेट भी शुरू हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट में हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए इनवर्टिब्रेट क्या होता है, नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं, यानी जीव क्या होते हैं, जीव आप सुनते हैं, जंतु सुनते हैं, तो जीव जंतु एक दूसरे से कैसे अलग है, इस सभी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, फिर जीव से यानी ऑर्गेनिज्म और एनिमल आपस में कैसे अलग है, तो ये हम समझ जाएंगे। तो इनवर्टिब्रेट में हम क्या करेंगे, एनिमल का अध्ययन करते हैं। तो एनिमल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से एनिमल होते हैं, उनको कितने फाइलम में बांटा गया है, हर फाइलम का करेक्टर देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसमें जो स्पेसिफिक मेंशन है सिलेबस में उसका अध्ययन करेंगे। तो अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म का क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एनिमल को यानी ऑर्गेनिज्म को बांटने का प्रयास तो है बहुत पहले से किया गया था, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का दिया गया वो हिटेकर के द्वारा दिया गया, वो हिटेकर के द्वारा दिया गया कि कहां के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के द्वारा। जैसे हम जनरली क्या समझते हैं कि दो ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल, लेकिन हिटेकर ने बताया कि इनके अलावा जीवों की क्या है, 3 और जातियां हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, फिर उसके बाद आता है प्लांटिया और एमेनिडिया। ये जो क्रम है ये इवोल्यूशन को दर्शाता है कि यानी मोनेरा से प्रोटिस्टा बने हैं, प्रोटिस्टा से फंजाई बनी है, फंजाई से प्लांटिया बने हैं और प्लांटिया से एनिमेलिया बने हैं। तो आखिर हिटेकर ने किस बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया था ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको हम कहते क्या है, इसको हम 5 जगत वर्गीकरण करते हैं। तो हिटेकर ने सबसे पहले पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा, इसी ही हिटेकर का क्या कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, यानी किस आधार पर इन्होंने 5 भागों में बांटा था। तो इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर कि किसमें कैसा सेल पाया जा रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा दूसरा जो बेस था वो शरीर का स्ट्रक्चर था, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी दूसरा क्या था, बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी उनकी बॉडी कैसी है। तीसरा हमारा बेस था कि उनके जीवन की दशा कैसी है, यानी लाइफ स्टाइल। उनकी लाइफ स्टाइल कैसे है। और चौथा जो बेस था वो था फाइलम जेनेटिक्स,
फाइलोजेनी का मतलब होता है जाति वृद्धि, जाति वृद्धि। इन सभी का मतलब क्या होता है? तो सेल स्ट्रक्चर का मतलब हमने देखा कि कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो उसके बाद उसका शरीर कैसा होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में कैसा है, केवल यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। ठीक, इसके भी आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया गया। यूनिसेलुलर को अलग रखा गया, मल्टी सेलुलर को अलग रखा गया है, यूकैरियोटिक को अलग रखा गया है, प्रोकैरियोटिक को अलग रखा गया है। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन की दशा, यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, न्यूट्रिशन यानी इनमें पोषण कैसे हो रहा है, पोषण कैसे हो रहा है, ये ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक, कुछ तो ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इन्हीं ऑटोट्रॉफिक से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ये आप सब जानते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। एक तीसरी कैटेगरी होती है किसकी, डीकम्पोजर की, जो न तो खुद भोजन बनाते हैं न किसी पौधे और जंतु से लेने जाते हैं, बल्कि जो जंतु और पौधे मर जाते हैं उनका विघटन करके ये प्राप्त करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। इन्हें भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भोजन को क्या करते हैं, पचाते नहीं है, ये बस क्या करते हैं, भोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, इसलिए एनर्जी के लिए। ठीक, और जबकि यहाँ क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक में भोजन को ग्रहण करते हैं, डाइजेशन होता है, उसके बाद जो पचा हुआ भोजन रहता है उसका ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर के इन्हें एनर्जी मिलती है। लेकिन डीकम्पोजर क्या करते हैं, कोई भी भोजन हो, जैसे कि हम देखते हैं ग्लूकोज है, प्रोटीन है, तो सॉरी ग्लूकोज नहीं, कोई जटिल मॉलिक्यूल है उसको क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, जैसे प्रोटीन को तोड़ देते हैं, तो इससे क्या होती है, इन्हें एनर्जी मिल जाती है। तो इसी तरीके से जीवों की क्या होती है, तीन कैटेगरी होती है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और डीकम्पोजर। फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है, जाति वृद्धि, यानी एक जो एनिमल बना है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसमें इस बात को इन्होंने ध्यान में रखा है कि कौन सा जीव किस जीव से उत्पन्न हुआ है, कौन सा जीव कितना पुराना है, तो इस क्रम में ही इन्होंने रखा है, पहले मुनेरा को रखा, फिर प्रोटिस्टा को, फिर फंजाई को, फिर प्लांटिया को, फिर एनिमेलिया को। तो ये बेस आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटेरिया के वर्गीकरण का बेस क्या था। ठीक, तो अब आइए इसके साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि मोनेरा में कैसे जीवों को रखा गया है, प्रोटिस्टा में कैसे रखा गया है, फंजाई में और प्लांटिया में और एनिमल। तो यहाँ हम शॉर्ट में देखेंगे, तो मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा गया है जो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप सब अच्छे जानते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, राइबोसोम को छोड़ करके। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक यानी मोनेरा में कैसे जीवों को रखा गया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और आता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जब हम एल्गी पढ़ रहे थे तो एल्गी में हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में ही। तो एल्गी को 11 क्लास में डिवाइड किया गया था, उसमें से एक क्लास में किसको रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया। तो एल्गी को किस क्लास में रखा गया है, एल्गी के साथ सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी भी किस क्लास में रखा गया है, तो यह कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है। फिर आइए हम क्या देखते हैं, प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। प्रोटिस्टा में क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक आ जाएंगे, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। इसके बाद फंजाई में कैसे आ जाएंगे, फंजाई में दोनों तरीके के होंगे, यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ज्यादातर कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। अब अगर मोनेरा की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, मोनेरा में क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं,
आर्थोट्रॉपिक भी होते हैं और मेसोट्रॉपिक भी। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जो इज़ोट्रॉपिक होती है और कुछ ऐसी होती है जो मेसोट्रॉपिक होती है। उसी तरह अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं, ऑर्थोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं ठीक। और ज्यादातर बाकी अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई जो हम जानते ही है कि कवक ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। कवक क्या होते हैं, मृतक जीवी होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मृतक जीवी भी कहते हैं और डी कंपोजर भी कहते हैं। एक और नाम से जानता है सैप्रोफाइट नाम से ठीक। तो मोनेरा में कैसे जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं ही बना ले रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो दूसरों से भी लेंगे। प्रोटिस्टा में तीनों कैटेगरी के आएंगे और फंजाई में केवल उन्हीं जीवों को रखा गया है जिनकी अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है और जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। अब फिर आते हैं प्लांटिया में, प्लांटिया में कैसे जीवों को रखा गया है जो क्या है, मल्टी सेलुलर, जो कि मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। इसके बाद हम एनिमेलिया में आ जाते हैं, एनिमेलिया भी कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे लेकिन ऑटोट्रॉफिक ना होकर कैसे होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। तो इस तरीके से हम देखें ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों प्रोकैरियोटिक हो गए और बाकी के तीन क्या हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। तो हमने बताया है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इस आधार पर बांटा गया है, इस आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो गए। फिर उसके बाद हमने बताया कि सेल यानी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, उसके आधार पर क्या कर दिया, एक कोशिकीय को अलग कर दिया गया, बहुकोशिकीय को अलग कर दिया गया। एक कोशिकीय का हमने क्या कर दिया, दो फाइलम दो जगत बना दिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक को रखा गया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक को रखा गया। जो मल्टी सेलुलर थे लेकिन अपना भोजन नहीं बना पा रहे थे उनको फंजाई में रख दिया गया, जो मल्टी सेलुलर है लेकिन अपना भोजन बना ले रहे हैं उनको प्लांट में रख दिया गया, और जो मल्टी सेलुलर है और हेटरोट्रॉफिक है उनको किस में रख दिया गया, एनिमल में रख दिया गया ठीक। तो इस तरीके से पांच जगत वर्गीकरण किया गया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक। मल्टी सेलुलर और यूनि सेलुलर फंजाई दोनों होते हैं, लेकिन एनिमल कैसे होते हैं, एनिमल केवल मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और फंजाई कैसे होती है, डीकम्पोजर यानी सेप्रोफाइट होती है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेती है। फंजाई का जब हम बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे सेप्रोफाइट, तो हमने सेप्रोफाइट और एनिमल में बताया था कि जो न्यूट्रिशन होता है उसको कहा जाता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन, यानी एनिमल क्या करते हैं, पहले भोजन को ग्रहण करते हैं। इनमें क्या होता है, पहले भोजन का इंजेशन होता है, फिर उस भोजन का डाइजेशन होता है, फिर जो ये पचा हुआ भोजन है वो कोशिका तक जाता है, फिर उसके बाद उस भोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी तब जैसा कि एक एनिमल को एनर्जी मिलती है। लेकिन जो सेप्रोफाइट या डीकम्पोजर होते हैं ये क्या करते हैं, बाहर ही एंजाइम रिलीज कर देते हैं और क्या हो जाता है, बाहर ही डाइजेशन हो जाता है। फिर जो डाइजेस्ट पदार्थ होता है उसको ये विसरण के माध्यम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड रहेगा, सिंपल फूड रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इनको एनर्जी मिल जाएगी। इस तरीके से होता है, यानी फंजाई कहीं भी अगर ग्रो कर रही है तो क्या करती है, बाहर ही एंजाइम रिलीज कर देती है। तो बाहर के अगर प्रोटीन है तो बाहर ही प्रोटीन किस में बदल जाएगा, अमीनो एसिड में बदल जाएगा, और अमीनो एसिड विसरण के द्वारा क्या हो जाएगा, इनके शरीर के अंदर चला जाएगा, शरीर से भी कहाँ चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा, और कोशिका में क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा और इन्हें एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरीके से सेप्रोफाइट जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये चीजों को डीकम्पोज किस लिए करते हैं, यानी चीजों को जो जटिल फॉर्म है उसको सरल फॉर्म में ये अपने लिए तोड़ते हैं, क्योंकि जटिल चीजें जो है इनके कोशिका के अंदर नहीं जा पाएंगी, इसीलिए इसको ये सरल चीजों में बाहर तोड़ देते हैं और कुछ सरल चीजों को ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से हुआ ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया,
तो ये उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आपको बस क्या करना, एक नाम याद रखना है। सिर्फ इंडो क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि मोनेरा को ही दो भागों में बांट दिया गया, आर्क बैक्टीरिया और ब्लू बैक्टीरिया ने। आर्क बैक्टीरिया और ब्लू बैक्टीरिया ने। आज की बैक्टीरिया में क्या था, जो एंशियंट बैक्टीरिया थे उनको रखा गया है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो पृथ्वी पे बहुत समय पहले बने हो। पृथ्वी पे सबसे पहले जिस जीव की उत्पत्ति हुई थी वो कौन सी थी, आज की बैक्टीरिया थी। आज की बैक्टीरिया से फिर यूज बैक्टीरिया बने जो आज ज्यादातर पाए जाते हैं। फिर यूज बैक्टीरिया से क्या बना, प्रोटिस्टा बने। तो ये आज की बैक्टीरिया मतलब एंशियंट बैक्टीरिया, ये ऐसी भी जगह पर सर्वाइव करती है जहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जगह क्या हो, बहुत ज्यादा गर्म हो, बहुत ज्यादा लबड़ी झील हो, वहां पर भी सरवाइव कर जाएंगी, जहाँ कोई और भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर बात करें हम यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को आपको क्या कहा जाता है, मॉडर्न बैक्टीरिया, जैसे आजकल की बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक, तो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि मोनेरा को हम क्या कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 जगह हो गई। ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपको एक मूज का नाम याद रखना है, मूज का याद रखना है, टेंडलर का याद रखना है, मूज टेंडलर और मिलर, मूज टेंडलर और मिलर, ये मिलर तीन साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट का आपको नाम ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक और वर्गीकरण दिया गया था, तीन डोमेन वर्गीकरण। उसमें क्या दिया गया कि तीन क्लासेस में, सॉरी तीन डोमेन में या तीन भागों में पूरे जीवों को बांटा गया। किसने बांटा था, वैज्ञानिक का नाम था कार्ल बूच। तो कार्ल बूच का नाम आपको याद रखना है, कार्ल बूच पूछा भी जाता है कि थ्री डोमेन वर्गीकरण किसने लिया था। कार्ल बूच ने दिया था, तीन डोमेन कौन कौन से थे, बैक्टीरिया, ठीक, आर्की बैक्टीरिया जिसको इन्होंने आर्की सिंपल कहा, बैक्टीरिया पहला डोमेन, बैक्टीरिया दूसरा आर्की, और तीसरा क्या कहेंगे, यूकेरिया। बैक्टीरिया में किसको रखा इन्होंने, मॉडर्न बैक्टीरिया को, जो भी हमने डिस्कस किया, आर्की में इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रखा, ठीक, मॉडर्न बैक्टीरिया को रखा, और यूकेरिया में जो ये रेस्ट बचते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया को रखा। तो इस तरीके से सभी ने एक ही चीजों को बस अलग अलग तरीके से बताया। लेकिन इस तरीके से हम देखें तो सबसे सही क्लासिफिकेशन किसका है, व्हिटेकर का ही है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो हम बार बार शब्द यूज करते हैं जीव जंतु, हम बार बार शब्द एक यूज करते हैं जीव जंतु। तो जीव की जब बात करेंगे तो उसमें सब आ जाएगा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। लेकिन जंतु का क्या मतलब होता है, केवल एनिमेलिया होता है। जंतु का मतलब क्या होता है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटिया नहीं होता। जंतु का मतलब केवल एनिमल्स लगाते हैं, जबकि जीव की बात करेंगे तो जीव में बैक्टीरिया भी आ जाएगा, प्रोटिस्टा भी आ जाएगा, फंजाई भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा और एनिमेलिया भी आ जाएगा। तो मोनेरा के बारे में हमने बताया कि मोनेरा में क्या पाया जाता है, कि मोनेरा में बैक्टीरिया पाई जाती है, और बैक्टीरिया के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो जो मोनेरा का करेक्टर होगा तो वही होगा जो बैक्टीरिया के करेक्टर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, और फंजाई के बारे में भी हमने पढ़ लिया, और प्लांटिया के बारे में तो प्लांट किंगडम में ही पढ़ेंगे। चलिए अब दो के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में और एनिमेलिया के बारे में। देखिए प्रोटिस्टा में एक फाइलम आता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आप जानते हैं कौन आता है, अमीबा आता है, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। तो अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये सभी क्या है, जीव है, लेकिन ये सभी जंतु नहीं है। तो प्रोटिस्टा मतलब होता है कि ऐसे जीव जो न तो कवक है, न तो पौधे है, न तो जंतु है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। यानी प्रोटिस्टा कैसे जीवों का शब्द है, तो
प्रतिष्ठा ऐसे जीवों का समूह है, एक कोशिकीय जीवों का। लेकिन एक कोशिकीय क्या होते हैं, फंजाई भी होते हैं, एक कोशिकीय कुछ शैवाल भी होते हैं, लेकिन उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा नहीं मानते। तो प्रतिष्ठा की एक डिफिनेशन दी जाती है कि प्रतिष्ठा, इसको लिख लीजिएगा, इज ए टर्म दैट मीन दैट मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म, सॉरी दैट मीन्स एनी एनी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ प्लांट, फंजाई और एनिमल। ठीक, यानी ऐसा जीव जो न तो कवक हो, न पौधा हो, न तो जंतु हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा कहते हैं। यानी ऐसा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो न कवक हो, न पौधा हो और न जंतु हो, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिष्ठा कहते हैं। तो अमीबा, यूलिना, पैरामीसियम, ये सभी क्या है, जीव है, लेकिन ये सभी क्या है, जंतु नहीं है। तो बुक में भी देखेंगे तो इनके लिए जंतु शब्द नहीं यूज होता, इनके लिए जंतु शब्द यूज होता है। जंतु का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीव, इसको हिंदी में, अंग्रेजी में एनी मालिक्यूल्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक फाइलम पढ़ना है, प्रोटिस्टा के अंदर एक फाइलम आता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, तो प्रोटोजोआ का लक्षण देखेंगे, फिर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इसके बाद हम एनिमल किंगडम में आते हैं। तो एनिमल किंगडम में देखेंगे कि एनिमल किंगडम में 9 फाइलम है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेड्रा, एस्किहेल्मिन्थी, इनेरिडा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थी, एस्किहेल्मिन्थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। और तो यहाँ से क्या आता है, तो प्रोटो जो हम तो पढ़ते हैं, हम तो यही जानते हैं कि 10 फाइलम होते हैं, तो 10 फाइलम में एक क्या होता है, प्रोटो जोआ होता है। लेकिन प्रोटो जोआ जो है वो एनिमल किंगडम का भाग नहीं है, प्रोटो जोआ किसका भाग है, प्रोटिस्टा किंगडम का। एनिमल किंगडम में ये 9 ही फाइलम आते हैं, लेकिन हम तो पढ़ने के लिए 10 फाइलम, यानी प्रोटिस्टा में जो एक किंगडम आता है उसको, सॉरी प्रोटिस्टा में जो एक फाइलम आता है वो, बाकी जो एनिमल किंगडम में 9 फाइलम आते हैं ये 10 फाइलम हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, फिर पोरिफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थी, फिर एस्किहेल्मिन्थी, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर पॉडेटा। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, तो सबका करेक्टर देखेंगे, सबका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसमें जो स्पेसिफिक मेंशन है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोरिफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा, इन सभी को ही हम क्या कहते हैं, नॉन पॉडेटा कहते हैं। इन सभी को ही हम क्या कहते हैं, नॉन पॉडेटा कहते हैं। और पॉडेटा में भी अगर हम देखेंगे तो पॉडेटा में भी, इस पॉडेटा को भी आगे चल करके हम क्या करते हैं, 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। जो पॉडेटा फाइलम है इसको आगे चल करके हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। ये है प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा और यूरोकार्डेटा, और फिर एक लास्ट आता है वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेटा के क्या हो गए? चार सब फाइलम हो गए। प्रोटोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, न्यूरोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में किसका अंतर होता है? नोटोकार्ड कि जितने भी नॉन कॉर्डेट होते हैं इनमें क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते, और कॉर्डेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो ये नोटोकॉर्ड प्रोटोकॉर्डेटा में भी होता है, हेमिकॉर्डेटा में भी होता है और यूरोकॉर्डेटा में भी होता है, लेकिन वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होता है एक और वेल डेवलप्ड संरचना में बदल जाता है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो यानी जो कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम है, प्रोटोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन वर्टिब्रेटा जो फाइलम है उसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो वर्टिब्रेटा के अलावा जितने भी हुए, चाहे नॉन कॉर्डेट हुआ चाहे ये कॉर्डेट के तीन फाइलम, तीन सब फाइलम, इन सभी को ही हम क्या कहते हैं? नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं। तो जब हम नॉन वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो ये सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से नॉन वर्टिब्रेट में कौन आ जाता है? नॉन कॉर्डेटा भी आ जाते हैं, यानी इन वर्टिब्रेट में कौन आ जाता है? नॉन कॉर्डेटा भी आ जाते हैं। तो इसीलिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको आप लिख लीजिए कि ऑल नॉन कॉर्डेट, ऑल नॉन कॉर्डेट आर इनवर्टिब्रेट। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट हैं वो सभी क्या है? इनवर्टिब्रेट भी है। इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का किसी की बात करें तो इसमें क्या है? न तो नोटोकार्ड पाया जा रहा है और न ही वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इनवर्टिब्रेट हो गया। लेकिन सभी इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट नहीं होते, बट ऑल इनवर्टिब्रेट, ऑल इनवर्टिब्रेट आर नॉट नॉन कॉर्डेट। देखिए अब इस लाइन का मतलब हमने क्या बताया कि ऑल इनवर्टिब्रेट आर नॉट नॉन कॉर्डेट, यानी सभी जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो नॉन कॉर्डेट नहीं होते। कुछ ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे? कॉर्डेट होंगे। जैसे ये क्या? प्रोटोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये क्या है? यूरोकॉर्डेटा। तो ये क्या है? इनवर्टिब्रेट तो है लेकिन ये नॉन कॉर्डेट नहीं है, ये क्या है? कॉर्डेट है। इसलिए कहा जाता है कि ऑल इनवर्टिब्रेट आर नॉट नॉन कॉर्डेट। तो आई होप आप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि नॉन कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट में क्या अंतर होता है। तो एक तरीके से समझ में आ गया कि नॉन कॉर्डेट में कौन कौन से फाइलम आएंगे और इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से फाइलम आएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? अब एक एक अध्ययन करना है। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होगी? प्रोटिस्टा से होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोटिस्टा का लक्षण देखेंगे, फिर प्रोटिस्टा का जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें देखेंगे प्रोटोजोआ का है एक फाइलम, तो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ में जो स्पीशीज पढ़नी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है, फिर टॉपिक जो है वो मूव करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।